हेलो, माय नेम इज़ रणवीर सिंह दला और आज इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 12th इंग्लिश कोर सेकंड बुक विस्टास का चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी। क्या विजार्ड को मॉमी को मारना चाहिए? तो लेट अस सी। जॉन अपडाइक का लिखा हुआ ये चैप्टर है। इसमें कहानी के शुरू में एक प्रश्न दिया है जो कि हमें तैयार करता है कहानी के लिए। हियर इज़ अ स्टोरी दैट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड एंड द डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन शी रेजेज ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। तो बच्चों और बड़ों की दुनिया में क्या एसेंशियल डिफरेंस हो सकता है? किस तरह के मॉरल क्वेश्चन कहानी के माध्यम से उठाए जा सकते हैं? कैसे दोनों की मोरालिटी अलग हो सकती है? तो सिंपल सी दिखने वाली कहानी में क्या गहरे और गूढ़ प्रश्न उभर कर आते हैं सामने, ये हम जानेंगे। एक कहानी का प्लॉट बड़ा ही सिंपल है। कहानी के अंदर एक कहानी है जो एक पिता है जैक, और वो एक फैमिली मैन है। उसकी बेटी जोआन, जिसको शॉर्ट में जो कहा गया है, पत्नी क्लेयर, और एक बेटा भी है। तो और अभी वो 6 महीने से प्रेग्नेंट है उनकी पत्नी। अब यहाँ जो मेन दो कैरेक्टर हैं उसमें पिता जैक और बेटी जोआन या जो जिसको कहा, बेटी को कहानी सुनाने का क्रम शुरू होता है। जब वो 2 साल की थी तब से पिता उनको सुलाने के लिए शाम को और सैटरडे को, तो दोपहर में भी आफ्टरनून में भी कहानियाँ सुनाया करते थे। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं बच्चों को सुलाने के लिए बड़े अक्सर कहानियाँ सुनाया करते हैं। तो ये क्रम, ये सिलसिला शुरू हुआ था जब वो 2 साल की थी, कहानियाँ सुनाते। अब इतनी कहानियाँ कहाँ से लाते पिता? तो एक ही कहानी, एक ही प्लॉट, लगभग उसी तरह की घटनाओं वाली कहानी वो रोज़ाना हल्की वेरिएशन के साथ सुनाया करते थे। थोड़ा बहुत चेंज कर दिया कैरेक्टर। रोजर नाम होता, साथ में एक एनिमल का नाम, रोजर समथिंग, जैसे रोजर फिश हो गया, रोजर स्क्विरल हो गया, या रोजर चिपमंक हो गया। ये जानवरों के नाम उसमें जुड़ जाते, अलग अलग जानवरों को लेकर वो ये इस किस्म की कहानी अपनी बेटी को सुनाया करते। और उसका प्लॉट बेयर मिनिमम, जो उसकी आउटलाइंस थी वो प्लॉट सेम ही रहता, हल्की फुल्की उसमें वेरिएशन हो जाया करती थी। अब प्लॉट क्या था? ये सिंपल किस किस्म की कहानी होती? रोजर समथिंग नाम का एक आदमी, एक कैरेक्टर होता, जानवर होता, उसको कोई ना कोई समस्या होती, प्रॉब्लम होती, जिससे वो बड़ा त्रस्त होता, दुखी होता, और उसके समाधान के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए वो एक ओल्ड आउल के पास जाता। उसकी मुलाकात एक ओल्ड आउल से हो जाती और ओल्ड आउल उसको बताता है कि भाई इस रास्ते से, फलाने रास्ते से जाओ और तुम्हें एक जादूगर मिलेगा, विजार्ड, और विजार्ड तुम्हारी समस्या का हल करेगा। तो इस तरह से रोजर समबडी या रोजर समथिंग, वो जो जानवर है, वो जाता विजार्ड के पास बताए हुए रास्ते पर। विजार्ड उसकी समस्या सुनता, उसकी समस्या का हल करता, और 7 पेनीज वो इसके बदले में मांगता। और उसके पास लेकिन 4 ही होती रोजर समथिंग के पास। तो अब वो 3 पेनीज मिल जाने का वो तरीका बताता, रास्ता बताता, और वो बताए रास्ते पर जाकर एक कुएं से 3 पेनीज बची हुई, 3 पेनीज भी ले आता रोजर, रोजर समबड़ी या समथिंग जो जानवर था, और इस तरह से उसकी समस्या का हल हो जाता। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता, वन में घूमता फिरता, और अंत में अपनी मम्मी के पास, अपनी मॉमी के पास वापस घर आता। और वो फिर वो मॉमी उसको बड़ा चाहती, प्यार करती, दोनों वेट करते फादर के लिए, डैडी के लिए, और डैडी के आने की जो ट्रेन, जिस ट्रेन से वो बैठ के आते अपने काम से जैसे वापस आते, तो उसकी विसल सुनाई देती और फिर डैडी आ जाते बॉस्टन से, बॉस्टन में वो काम करते, और फिर मज़े से सब लोग जो है वो डिनर करते। और डिनर के जो आइटम्स हैं उनको भी जैक जो है बड़े मज़े लेके, वो अलग अलग जो डिशेज होती उनको भी कहानी का हिस्से के रूप में बताया करता था बेटी बेटी को। तो ये सिलसिला था, ये क्रम था, इस किस्म की कहानी होती। तो ऐसे ही अब एक दिन होता है,
सैटरडे का। सैटरडे को बड़ा मुश्किल होता है दिन में सुलाना बेटी को, और सुलाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनकी पत्नी क्लेयर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे घर में कुछ काम पेंटिंग वगैरह कर रही हैं। काम फैला हुआ है उसमें, जो फर्नीचर वगैरह है और कुछ आर्टिकल्स हैं, सामान हैं जिनको वो पेंट कर रही हैं। एक उन्होंने एप्रन्स, एक ख़ास तरह की ड्रेस पहन के, तो वो चाहती हैं कि जैक जाए बेटी को सुलाए ऊपर कमरे में, उनके बेटी के बेडरूम में, और उसको जल्दी से सुला के नीचे आ जाए और उसके काम में हाथ बटाए, उसको हेल्प करे। तो इस तरह से जैक का ये मकसद है, और वो कहानी बेटी को सुनाने जाता है। सैटरडे दोपहर को शुरू करता है कहानी, पूछता है कि भाई बेटी क्या, किस टॉपिक पे कहानी, या किस जानवर की कहानी तुम्हें सुनाए। तो बेटी कहती है कि स्कंक। अब जैक ने अंदाज़ा लगाया कि भाई स्कंक का जिक्र हो रहा होगा आजकल स्कूल में, किसी बुक में कोई पिक्चर वगैरह मैडम ने बताया होगा, टीचर ने दिखाई होगी पिक्चर स्कंक की। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, स्कंक की कहानी सुनाते हैं, रोजर स्कंक। तो एक बार रोजर स्कंक नाम का जानवर था, और वो उसकी बॉडी से बहुत फाउल स्मेल, बहुत बुरी स्मेल, ऑडोर आती थी, और इसकी वजह से जो उसके बाकी जानवर उसके साथ फॉरेस्ट में, वन में, वुडलैंड में जो जानवर थे वो खेलते, तो वो खेलना पसंद नहीं करते थे, दूर भाग जाते उस स्मेल से, घबरा के सब लोग दूर चले जाते, बड़ा बुरा लगता उसको, कोई उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। अब ये जो कहानी जैक सुना रहा है अपनी बेटी को, तो बड़े ड्रामाई अंदाज में, बड़े ड्रामेटिक अंदाज में, इस तरह से जेस्चर वगैरह करके पूरा जो है वो लाइवली बनाने की कोशिश करते हैं कहानी को। और बेटी भी ये सुनकर जो है अफसोस दुखी हो जाती है कि भाई किस तरह से कोई खेलता नहीं था उसके साथ, रोने लग जाता जैक ने बताया, और उसके ट्रेस करके उंगली से बेटी के गाल पे, चेहरे पे से लिप्स आगे निकले हुए हैं, जैसे दुखी होते हैं बच्चे, उदास होते हैं, और वो उंगली से ट्रेस करके बिटिया के गाल पे बता रहे कि ऐसे रोजर स्कंक के आंसू आ गए थे क्योंकि कोई उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था, बहुत दुखी था। तो बेटी भी दुखी हो जाती है, और जैक को बड़ा मज़ा इस तरह से आता है कि वो प्रभाव डाल पाते हैं कहानी में, एक अथॉरिटी होती है कहानी सुनाने वाले की, तो एक एक कंट्रोल होता है, तो ये कंट्रोल जब वो कर पाते हैं तो उन्हें ही फील्स सेटिस्फाई। अच्छा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, भाई कोई उसके साथ खेलता नहीं था, ये समस्या थी, इस समस्या के समाधान के लिए वो निकले एक दिन, और उन्हें उनकी मुलाकात हुई ओल्ड आउल से। अब ये ओल्ड आउल एक बड़े से पेड़ की चोटी पर बैठा हुआ है, ये बड़ा सा ओल्ड आउल, इस ओल्ड आउल से उसकी मुलाकात हुई रोजर स्कंक की, और बताया उसने कि भाई मेरे को ये समस्या है, स्मेल बॉडी से आती है और कोई खेलना पसंद नहीं करता। तो ओल्ड आउल ने कहा कि हाँ, इस तरह की बात तो महसूस कर रहा हूँ मैं भी। तो अब अच्छा, ये एक नया एक एक दौर है कहानी, जब वो सुनाते हैं बिटिया को तो वो बीच बीच में एंटिसिपेट करने लगती है, क्योंकि बड़ी हो गई हैं, 2 साल से कहानी सुन रही हैं, उसी तरह की घटनाएं कहानी में आती हैं, तो जैसे ही उसे लगता है कि स्कंक दुखी था बहुत ज़्यादा किसी के ना खेलने से, उस स्मेल, बुरी स्मेल की वजह से, वो कहती है भाई क्या वो ओल्ड आउल से नहीं मिलेगा, एंटिसिपेट करने लगती हैं घटनाओं को, बताने लगती हैं पिता को, तो एक्साइटमेंट है उनमें ज़्यादा, प्रिडिक्ट करने लगती हैं। अब पिता नहीं चाहते, पिता ये चाहते हैं कि वो कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहे, बेटी है कि वो कहती है अच्छा अब उनके पास नहीं जाएगा क्या वो, तो इस तरह से। अच्छा, पिता ने फिर आगे बताया कि भाई रोजर स्कंक ने अपनी समस्या बताई ओल्ड आउल को, तो ओल्ड आउल ने कहा कि भाई जो है तुम जो है, लेकिन ओल्ड आउल इससे पहले कि कुछ सुझाव देता रोजर स्कंक को, बेटी कह उठी विजार्ड, विजार्ड पहले ही कह दिया कि भाई अब विजार्ड के पास उसे चले जाना चाहिए, और यही सलाह ओल्ड आउल देगा, और जल्दी आप आगे बढ़ो कहानी में। तो पिता को ये इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि अथॉरिटी अपने पास रखना चाहते हैं कहानी, वो कहते हैं भाई ये क्या बात हुई, कहानी मैं सुना रहा हूँ कि आप सुना रहे हो। तो बिटिया ने कहा कि हाँ आप सुना रहे हो, अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कहानी। अच्छा, तुम सोने की कोशिश करो, क्योंकि पिता का मकसद तो है कि बेटी सो जाए जल्दी से। उन्होंने कहा अच्छा, आगे कहानी को बढ़ाया,
कि भाई उन्होंने बताया ओल्ड आउल ने कि आप विजार्ड के पास जाओ। अच्छा, बेटी ने एक सवाल और यहाँ पर पूछा कि क्या ये मैजिक जो होते हैं क्या ये रियल होते हैं क्या मैजिक, क्योंकि वो घटना आने वाली थी विजार्ड जो कि जादूगर था। तो अब ये एक नया दौर था, इस तरह के प्रश्न वो अक्सर करने लगी थी। एक बार जो है उसने अपनी माँ से भी ऐसा पूछा, इस तरह का क्वेश्चन जो है। अच्छा, एक बार जैसे पिता ने बताया कि स्पाइडर्स जो हैं वो बग्स को खा जाती हैं, कीड़े मकोड़ों, तो माँ से क्लैरिफाई किया उन्होंने कि क्या ऐसा होता है क्या। अच्छा, माँ ने एक बार बताया कि भगवान होते हैं सब जगह, गॉड आसमान में ऊपर आसपास हर जगह ईश्वर निवास करते हैं। तो उन्हें इस पे डाउट हुआ, पिता से कहा कि क्या होते हैं क्या, क्या भगवान ऐसे होते हैं हर जगह, क्या इज ही रियली, ऐसी बात उन्होंने कही। तो बड़ी बड़ी एक चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ उसने ये प्रश्न पिता से किया। तो ये नया दौर था जब वो क्वेश्चन करने लगे थे डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस, या उसका दिमाग विकसित हो रहा था, डेवलप हो रहा था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, खैर पिता जो है वो अथॉरिटी चाहते हैं। तो पिता ने उस सवाल का जवाब देते हुए, बेटी ने पूछा था कि क्या जादू रियल होता है, मैजिक रियल होता है, तो पिता ने कहा हाँ वो होते हैं, वो कहानियों में होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने टालने की कोशिश करी। अच्छा, फिर उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाया। ओल्ड आउल ने बताया, देखो भाई ऐसे चले जाओ इस फॉरेस्ट में, ये जो घना वन है इसमें डार्क फॉरेस्ट में जाओ, अंडर द एप्पल ट्रीज, आगे कुछ एप्पल ट्रीज आएंगे उसके नीचे फिर स्वाम्प दलदल आएगा, वहाँ से जाओ और फिर एक छोटी नदी आएगी उसके ऊपर से जाओ और फिर वहाँ तुम्हें विजार्ड का घर मिलेगा। तो बिटिया ने पूछा ये क्रिक क्या है, तो पिता ने बताया कि भाई अ लिटिल रिवर। तो अब बताए हुए रास्ते पर रोजर स्कंक जाते हैं और एक दरवाज़ा है उस पर नॉक करते हैं, वो घर उनको मिल जाता है विजार्ड का। और जैक जब ये कहानी सुना, खुद भी एक विंडो सील है उस पर टैप करके कि भाई अब ड्रामेटिक अंदाज में कहानी सुनाना चाहते हैं। अच्छा, दरवाज़ा खुला और जो विजार्ड था उसने सफ़ेद दाढ़ी, छोटे कद का, टाइनी लिटल ओल्ड विजार्ड, और एक पॉइंटेड नीली कैप उन्होंने पहनी हुई थी। उन्होंने कहा अरे 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 ये क्या है क्या है क्या, कितनी ये स्मेल क्या, बहुत बुरी स्मेल है। तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरे को पता है ये स्मेल। रोजर स्कंक ने माना कि भाई यही तो समस्या है, स्मेल है। ओके, ज़्यादा नज़दीक ना हो, विजार्ड ने कहा ज़्यादा नज़दीक ना हो। तो फिर उसने भाई अपना जो है रोजर, ये विजार्ड ने अपने घर में, क्योंकि बहुत सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, ये जब ये विजार्ड की जो बात पिता कह रहे हैं ये भी ड्रामेटिक अंदाज में और बड़ा बड़ा अच्छे से ये एक्टिंग कर पाते हैं बूढ़े आदमी की। अच्छा, फिर अपने जो आसपास घर में इधर उधर कोई साफ़ सफाई करने वाला कोई आता नहीं था, तो एक अपनी छड़ी ढूंढी और फिर जो है, अच्छा बिटिया ने फिर एक पूछा कि क्या ये बूढ़ा जादूगर जो बूढ़ा हो गया है ये क्या मर जाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं पिता ने कहा नहीं, विजार्ड्स डोंट डाई, जादूगर मरते नहीं। खैर उन्होंने फिर जो है अपना वो छड़ी ढूंढी, घुमाई और बोला एब्रा कडाबरी हो कस्बू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोज इज बॉसिस पुल नियर रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। इस तरह का मंत्र जो है जो भी उन्होंने जादूगर ने सुनाया और उसके बाद पूरे माहौल में रोजेस की स्मेल, रोजर। अब पिता जो है कहानी सुनाते सुनाते रोजर स्कंक को रोजर फिश कह गए कि रोजर फिश बहुत खुश हुआ और चिल्लाया एकदम से रोजेज रोजेज, यानी गुलाबों की खुशबू, गुलाबों की खुशबू आ गई। तो अब बेटी ने एकदम से पॉइंट आउट किया कि फादर आपने क्या कह दिया, आपने तो रोजर फिश कह दिया जबकि रोजर स्कंक है कहानी का कैरेक्टर। तो पिता ने कहा हाँ हाँ ओल्ड स्टूपिड डैडी है ना, उसने कहा हाँ स्टूपिड ओल्ड डैडी, तुम्हारे पापा से गलती हो गई, तो ये कहना पड़ा उनको। खैर रोजर स्कंक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन उसने बताया कि भाई मेरे पास तो पेनीज मांगे, 7 पेनीज विजार्ड ने मांगे इस समस्या के हल करने के बदले में। तो रोजर स्कंक ने कहा जी मेरे पास तो 4 ही हैं, ओनली 4 पेनीज, और फिर वो रोने को हो गए। तो फिर से जो है जोआन यानी जो थोड़ी सी दुखी हुई और उसके अब लेकिन उतनी सिंसियरिटी उतना क्योंकि उसे पता था कि इस तरह की। तो पिता जो है जब प्रभाव कम होता है कहानी का इफ़ेक्ट लड़की के ऊपर तो थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करते हैं।
वो अथॉरिटी चाहते हैं। और नीचे जो है फर्नीचर की कुछ आवाज़ें नीचे हो रही हैं, क्योंकि क्लेयर जो है वो काम कर रही हैं, और वो चाहते हैं कि जल्दी से लड़की सो जाए बस। तो अब विजार्ड ने कहा कि भाई देखो मैं बताता हूँ, पेनीज तुम्हारे को 3 पेनीज, ऐसे जाओ तुम सीधे इस लेन के लास्ट में, गली ख़त्म होगी, 3 बार टर्न करना और तुम्हें एक वेल मिलेगा और वहाँ से तुम पेनीज 3 पेनीज लेके आ जाओ। तो ऐसे बताए हुए रास्ते पर रोजर्स कंग गया और उसके बाद उसको वो पेनीज मिल गई। वो पेनीज 3 पेनीज ला के उसने फिर से ओल्ड विजार्ड को 3 पेनीज दी और बस काम हो गया, खुश, उसकी समस्या का हल हो गया। ही वॉज़ वेरी हैप्पी और गया फॉरेस्ट में, और वुडलैंड के वहाँ के जो फॉरेस्ट के और क्रीचर्स थे, स्मॉल क्रीचर्स, उनके साथ वो खेला, खूब मस्ती करी उन्होंने, कई सारे गेम्स उन्होंने खेले, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रूस, हॉकी, सॉकर, पिकअप स्टिक्स। उन्होंने, ये कौन सा गेम है पिकअप स्टिक्स, लड़की ने बोला, जो ने बोला भाई पिकअप स्टिक्स जिसमें जो है स्टिक्स के साथ खेलते हैं, अच्छा जैसे कि जादूगर वाली स्टिक थी, हाँ कुछ ऐसा ही। तो इस तरह से प्रश्न उत्तर हो रहे हैं दोनों के बीच। तो जोआन यानी जो लड़की बड़ी बड़ी एक्टिवली जो है वो कहानी को सुन रही है, बहुत स्लीपी फील नहीं कर रही। तो पिता का जो पर्पज है वो इतना सॉल्व होता नहीं दिख रहा, कुछ हल होता नहीं दिख रहा, कुछ वो अपने अपना अचीव नहीं कर पा रहे अपने अपने गोल, अपने उद्देश्य को। अच्छा तो फिर जो है उसकी खेलते रहे, खेलते खेलते शाम हो गई और रोजर स्कंक अपने घर और बाकी जानवर सब अपने अपने घर, अपनी मम्मीज़ के पास चले गए। लेकिन रोजर स्कंक जैसे घर पहुंचा तो मम्मी ने कहा भाई ये क्या, एकदम से उनको बड़ा बुरा लगा कि ये कैसी कैसी ऑड किस्म की, बड़ी अजीब किस्म की, ये स्मेल कैसे, कैसी स्मेल आ रही है तुम्हारे। तो अब रोजर स्कंक ने, ये तो रोजेज़ की स्मेल थी लेकिन माँ के लिए तो ये अनकम्फर्टेबल, ये ऑड थी, ये अनयूजुअल स्मेल थी। तो उन्होंने कहा ये क्या क्या हो गया भाई कैसे। तो रोजेस कंक ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, विजार्ड ने जो है ये रोजेस की स्मेल जो है वो चेंज करी है मेरी। उन्होंने कहा अच्छा ये बात, चलो फिर एक छाता उठाया और चल पड़ी उसको साथ लेके, बता मेरे को कहाँ पे है वो विजार्ड, मैं देखती हूँ कैसे उसकी ये हिम्मत हुई उसने ऐसे किया। तो उसको लेकर अब जो है रोजर्स कंक उसको लेकर माँ को विजार्ड के पास गया और माँ ने गुस्से में आके विजार्ड को जो है डांटा और जो है कहा कि भाई एक मारा उसने, वो छतरी उसके सिर में दे मारी, हिट किया ओल्ड विजार्ड को मॉमी ने, और कहा कि ये तो स्मेल चेंज करो बिल्कुल जैसी थी ओरिजिनल। तो विजार्ड ने कहा ऑल राइट, और उसने जो है चेंज कर दिया उसकी स्मेल को। तो अब ये जो है इस तरह से कहानी का ये जो मोड़ है, ये जो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, लेकिन पिता जो है वो बता रहे हैं कि भाई इस तरह से, तो इस तरह वो अथॉरिटी चाहते हैं कहानी में, इस तरह का एंड उन्होंने जो है किया है और डिलिबरेटली कुछ इस तरह से कुछ बताना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं। अब जो ने कहा कि भाई ये कैसे हुआ डैडी, ये तो बड़ा बुरा हुआ। डैडी ने बताया कि भाई वो फिर वापस माँ उसको लेके आई और बड़ा प्यार किया अपने बच्चे को, और उसके बाद जो है वो खूब बढ़िया उन्होंने खाना बनाया और अपने डैडी का वेट करने लगे। बॉस्टन से डैडी आए और फिर उन्होंने डिफरेंट आइटम्स थे उनके डिनर के, और फिर खूब इंजॉय उन्होंने खाया पिया और रात को फिर बड़े गले से लगाया, प्यार किया माँ ने बच्चे को और सुला दिया। इस तरह से वो कहानी का एंड फादर करना चाहता, लेकिन बेटी ने बीच में क्वेश्चन किया, उन्हें ये एंड बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो, अब उनका क्या होगा भाई, उसके साथ तो जो है वो उसके साथ ही तो खेलेंगे नहीं, अब उनका क्या होगा। पिता ने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगी और वो खेलने लगे उनके साथ, एडजस्ट कर लिया उन्होंने। लेकिन बेटी को नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक लगी। और क्लियर और जैक ने बताया भी कि किस तरह से जो है वो माँ बेहतर जानती हैं, जैक को पसंद नहीं आ रहा इस तरह से जो का जो है कहानी में दखल दिया जाना, और जस्टिफाई करता है जैक कि मदर्स जो हैं वो बेहतर जानती हैं अपने बच्चों के बारे में, उनको पता है क्या सही है,
और फिर उसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। रोजर स्कंक को भी इस बदलाव से कोई दिक्कत नहीं थी। और जो है द पॉइंट इज, एक लाइन है इसमें, द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी। वो तो अपनी माँ को बहुत चाहता था, मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर क्रीचर्स, एंड शी न्यू वट वॉज राइट। कि माँ को पता था बच्चे के लिए क्या ठीक है। रोजर स्कंक माँ को चाहता था बाकी जानवरों से कहीं ज़्यादा, तो वो इस बदलाव के लिए, इस तरह से, इस एडजस्टमेंट के लिए तैयार था। लेकिन जो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, वो तो पैर पटक रही थी, वो तो बेचैन थी, वो तो उठ उठ गई थी। पिता जब जाने लगे तो उठ के बैठ गए कि नहीं 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 अब पिता यहाँ पर एक एक मॉरल डिलेमा में फंस जाते हैं। वो तो इस बात को एक तरह से लगता है कि वो अपने बचपन में अपनी घटनाएं, अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी माँ को एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ रोजर स्कंक की मदर की बात करके वो अपनी माँ को जस्टिफाई कर रहे हैं, और सारी दुनिया में ही जो मदर्स हैं या पेरेंट्स हैं उनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो किस तरह से अच्छा ही सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए भला ही सोचते हैं। लेकिन जो को ये बात, और वो जो बहुत बेचैन हो जाती है, बैठ जाती है और कहती है कि नहीं फादर, ये तो ठीक नहीं है, और कल आप मेरे को दूसरे दूसरी तरह से कहानी मेरे को सुनाना, जिसके अंदर एंड में जो जादूगर है वो माँ को मारेगा, विज़ार्ड हिट करेगा मॉमी को, क्योंकि वो मॉमी अच्छी नहीं है, स्टूपिड मॉमी है, जो जो इस तरह से रोज़ेस की स्मेल ना को दोबारा से बुरी स्मेल में कन्वर्ट करवा के ले आई। तो पिता जो है वो एक तरह से ये बताना चाहते हैं कि भाई ये नेचुरल है, ऐसा होना नेचुरल है, इस तरह की स्मेल उनके लिए नेचुरल है और वो उनको बुरी नहीं लगती, वो उसके साथ एडजस्ट करते हैं, दैट इज़ नॉर्मल फॉर देम। लेकिन ये इस तरह की नॉर्मल होने की बात इस मोरालिटी को जो समझने में नाकामयाब रहती है, उन्हें उसे लगता है कि भाई इस तरह का एंड जो है वो ठीक नहीं है। जो भी उसकी अपनी अपना अपना लेवल है मोरालिटी का, अपनी समझ है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और वो इंसिस्ट करते हैं। और पिता जो है वो हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी ही जो प्रोसेस थी, पूरी जो कवायद थी, जो भी एफर्ट्स थे वो वेस्ट होते हुए नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो देखेंगे, जब बेटी ने इंसिस्ट किया तो देखेंगे कल। बेटी ने कहा कि भाई कल जो है आप इस तरह का एंड इसका चेंज करना कहानी का। तो पिता ने कहा ओके देखते हैं, कल देखते हैं। ये कहते हुए वो आए और नीचे आकर जो है अपनी पत्नी, जिस तरह से काम फैला हुआ था वो हाथ बटाना चाहते थे, लेकिन तभी उनको सुनाई दिया कि ऊपर जो है स्टेप्स की आवाज़ सुनाई, कि बेटी बेड से उतर आई, वाइब्रेशन कुछ आवाज़ सुनाई दी इस तरह। तो उन्होंने नीचे से ही कहा कि मारूंगे, चपत चपत लगाऊं तुम्हें, कुछ ऐसे ही, शुड आई यू नो स्पैंक ऑन यू, स्पैंक यू। तो इस तरह की बात उन्होंने कही, तो और वो ठिठक गई लड़की, एकदम से रुक गई। तो लेकिन पिता के मन में ये बात अब बिल्कुल आ गई थी कि वो इस मकसद में नाकामयाब हुए हैं, और बिल्कुल डिससेटिस्फाइड थे, नाराज़ थे, डिसअपॉइंटेड थे, निराश थे इस बात से, और पत्नी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा लगा कि जैसे दोनों एक पिंजरे में बंद हो गए हैं। तो उससे बात करना, उसको टच करना, काम करना, बोलना, कुछ भी उसे, ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर, टच हर, एनीथिंग। ये लास्ट जो लाइन है। तो इस तरह से कहानी जो है बात करती है, इस मॉरल इशू को उठाती है कि भाई किस तरह ये मोरालिटी का जो इशू है, ये किस हद तक जो है, ये बच्चों की दुनिया, बच्चों के मॉरल्स और बड़ों के मॉरल्स में क्या फ़र्क है, और क्या सही है, क्या पिता का स्टैंड अपनी जगह सही है, क्या वो जिस मोरालिटी और जिस नॉर्मलसी की बात करते हैं, जिस कुछ जो नेचुरल बात करते हैं, जो 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 बड़ों की जो मोरालिटी है, जो बच्चों को वो सिखाना चाहते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं। बड़ों का अपना स्टैंड है, अपना एटीट्यूड है, अपनी मोरालिटी और अंडरस्टैंडिंग है, और उस बात को वो बच्चों पे थोपना चाहते हैं, तो कोवेर्स करना चाहते हैं, फोर्स करना चाहते हैं। क्या ये ठीक है? तो दोनों ही के बारे में बात की जा सकती है, दोनों पक्ष की बात की जा सकती है, जस्टिफाई किया जा सकता है। तो इस तरह से पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है कि आप किस पक्ष के साथ हैं, क्यों लगता है कि लड़की का अपना स्टैंड जो है वो अपनी जगह पर ठीक थी, पिता जो है वो एक तरह से नाकामयाब होते, निराश भी हैं लास्ट में कि वो नहीं उतना उस तरह से कन्वे कर पाए, वो उस मोरालिटी को बच्चों के लेवल पर आकर नहीं कन्वे कर पाए। वो एक फोर्सफुल अंदाज था उनका,
एक एक ज़बरदस्ती वाला अंदाज़ था, डांटने वाला अंदाज़ था, जो कि काम नहीं करता है बच्चों की तो, और बच्चों का अपना स्टैंड। तो ये जो मिसमैच है, इस तरह से जो मोरालिटी है दोनों की, उसके बारे में कहानी बात करती है कि क्यों बड़ों को समझना चाहिए बच्चों के अपने स्टैंड को, और बच्चों से हम एकदम से ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं उस लेवल की। यहाँ पर जो है ऐसा होता है, ये एक 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 जनरल ट्रुथ है, जो एक एक बिटर ट्रुथ है, अनप्लेजेंट ट्रुथ है हमारी प्रेजेंट लाइफ की भी, कि हम उस तरह से जो है पूरी दुनिया में ये बात है कि बड़े बड़े जो जिस तरह से अपने जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी मोरालिटी है, अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उनको वो बच्चों को बिना समझे, बिना ये जाने कि वो अभी उस उम्र में आए हैं या नहीं है, वो उस मोरालिटी को उतना समझ पाएंगे या नहीं, थोपने की कोशिश करते हैं। और ऐसे डिस्कॉर्ड पैदा होता है, डिस्कनेक्ट पैदा होता है दोनों में, जो बाद में चलकर जेनरेशन गैप का भी रूप ले लेता है। तो उसकी तह में, जड़ में जाने की कोशिश की गई है। तो दोनों ही तरह की बात, बच्चे को भी जस्टिफाई किया जा सकता है, कुछ हद तक बड़े को भी। तो ये, लेकिन साथ में उस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स भी, उस तरह के की रीजनिंग भी अपने, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें देनी है, जस्टिफाई करना है पॉइंट ऑफ व्यू को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो जब तक कि आप अगर उतना जस्टिफाई कर पाएँ, अपनी रीजनिंग उस तरह से अपने अपने लॉजिक को दे पाएँ, तो आंसर जो है ठीक रहता है। तो दैट was the end of the story. So I hope you enjoyed this video, and if that is the case, press the like button and do leave your comments in the comment box, and also subscribe to the channel. Thank you very much. Bye.